ससुपाल ने और फौजी सजवाने के बाद कुंडनपुर की और चारों ओर से कुंडनपुर को घिरवा लेता है। दस दिन पहले ही बारात लेके पहुंच गए उधर। जैसे ही बारात पहुंची है रुक्मिणी को मालूम पड़ा है कि मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले ससुपाल के साथ करवाना चाह रहा है। रुक्मिणी रोने लगी। ससुपाल का नाम सुनकर के रुक्मिणी के पैरों तले धरते कुसुम गई। तब तक रुकम आ गया, कहने लगा व्यवस्था पर लोगों से खड़े खड़े मोहकी और क्या देख रहे हो, साले साहब बारात लेकर के आ गए हैं, बारात की कुसामद करो, दूल्हा की कुसामद करो, बहुत बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता, हमें तो पता है हमारा साला है सारा। महाराज भीष्मक को मालूम पड़ा, खोपड़ी को पकड़ करके जमीन पर बैठ गए, कहने लगे अरे कंबख्त तूने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, आज बारात की खुशामद हो रही है। उधर रुक्मिणी को मालूम पड़ा है महिलाओं में कि मेरा भैया का साला ससुपाल बारात लेकर के आ गया है, साथ की सहेलियां आ गई हैं, कहने लगी काय रुक्मिणी अब तो तुम्हारा ब्याह हो सब घमंड के मच चढ़ पर रहे तो मोली मार रही। रुक्मिणी कहने लगी ये बहन ऐसी बात मत कहो, मेरा भैया मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मेरी शादी अपने साले के साथ कराना चाहता है, इसलिए मैं शादी करूंगी तो मुरलीधर कन्हैया से करूंगी, ससुपाल के साथ में शादी हरगिज नहीं करूंगी। आज रुक्मिणी आंगन में रो रही है, सहेलियों से कह रही है बहन मैं चैर खा के मर जाऊंगी लेकिन ससुपाल के साथ में शादी हरगिज नहीं करूंगी। और बोलती है मैं तो सलामत